स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः वनस्तु जेंटलमैन नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं सुरों की महफिल में जिसका नाम है हिट्स ऑफ रफ़ी विद शंकर जयकिशन। दोस्तों, कहते हैं कि संगीत हर मर्ज की दवा है। काफ़ी लंबे समय से हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और न जाने आने वाले कितने समय तक लड़ते रहेंगे। बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ आजकल हम जी रहे हैं और इस स्ट्रेस को दूर करने का सबसे खूबसूरत जरिया है संगीत, और उसमें भी रफ़ी साहब के यादगार नगमे। रफ़ी साहब ने शंकर जी और जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में जो अपने गीतों से रंग बिखेरा है, उसी रंगों की रंगोली लेकर आज इस खूबसूरत शाम को हम सजाने जा रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त परीशी वर्मा त्रिवेदी। तो तैयार हो जाइए आज मेरे साथ सुरों की एक बहुत ही खूबसूरत शाम को एंजॉय करने के लिए। 31 जुलाई रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है, तो हम अपने सुरों से, अपने गीतों से, दिल से उन्हें स्वरांजलि देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज हमारी खुशकिस्मती है कि एक ऐसे कलाकार इस खूबसूरत शाम को सजाने जा रहे हैं जिन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ को, रफ़ी साहब के अंदाज़ को रफ़ी साहब के सभी चाहने वालों तक न जाने कितने सालों से पहुंचाया है, और रफ़ी साहब की आवाज़ को हम सब के बीच ज़िंदा रखने की उन्होंने कसम खाई और आज तक उस कसम को वो निभा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारी सही मायनों में खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। हमारे लिए एक और गौरव की बात है कि इस कलाकार को गुजरात गौरव पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, जिन्हें हम बिग बी ऑफ गुजरात कहते हैं, स्टेज किंग कहते हैं। वैसे हम सबके चहेते कलाकार आज हमारे साथ हैं, तो बहुत ही प्यार से, बहुत मोहब्बत के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम स्टेज किंग, वॉइस ऑफ रफ़ी, मिस्टर बंकिम पाठक। जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ
जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों पे बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों पे बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया। दोस्तों, आज की इस हसीन महफिल में बंकिम जी ना साथ देने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ यहाँ पर मौजूद हैं। गुजरात की ये भी बहुत ही जानी मानी कलाकारा हैं। ख़ास तौर पर लता जी के नगमों का जब भी जिक्र होता है तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर इस नाम को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। वो वर्सेटाइल भी हैं, हर तरह के नगमे भी गाती हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पर बंकिम जी का साथ देने यहाँ पर आई हैं। शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन अहमदाबाद के साथ उनका बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है और आज उसी रिश्ते को निभाने के लिए वो यहाँ पर आई हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम अ वेरी ब्यूटीफुल सोलफुल वॉइस, आनल वसावड़ा ठक्कर। दोस्तों, आज बंकिम जी और आनल जी मिलकर एक बहुत ही रोमांटिक गाना आपकी नज़र करने जा रहे हैं फ्रॉम द फिल्म लव मैरिज।
सुना वो देव साहब पे पिक्चराइज था। बंकिम जी और देव साहब का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है और बंकिम जी देव साहब को बहुत ही एडमायर करते थे, उनको फॉलो करते थे और जो उनका ज़िंदगी जीने का तरीका था उसी तरह वो भी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर देव साहब की तरह वो ड्रेस्ड अप होते हैं, उनके जैसा ही स्कार्फ पहनते हैं, उनके जैसी हैट्स पहनते हैं और उनके जैसी हमेशा ही चेहरे पे मुस्कुराहट भी वो रखते हैं। दोस्तों, उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम भी देव साहब के प्रोडक्शन हाउस से मिलता जुलता है, उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर रखा गया है और कई बार देव साहब बंकिम जी को खुद इनवाइट करते थे कि वो उनकी फ़िल्म की शूटिंग देखने आए या बंकिम जी जब भी देव साहब से कहते थे कि आज मुझे शूट देखना है तो देव साहब बहुत ही प्यार से उन्हें इनवाइट करते थे। इतना खूबसूरत उन दोनों का रिश्ता रहा। रफ़ी साहब के लिए भी बंकिम जी की जो मोहब्बत है वो बहुत ही पाक है और अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमने रफ़ी साहब को नहीं देखा, हमने बचपन से ही बंकिम जी को ही सुना है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रफ़ी साहब को जानते ही हैं बंकिम जी की वजह से, क्योंकि इतने पॉपुलर उन्होंने कर दिए हैं रफ़ी साहब को अपने पर्टिकुलर रीजन में, ऐसा हम कह सकते हैं। दोस्तों, अगला नगमा हम सुनाने जा रहे हैं 60s के दशक का ये बहुत ही यादगार नगमा फ्रॉम द फिल्म अप्रैल फूल। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, बच बच के चलना हुजूर, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, ओ बच बच के चलना हुजूर। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, ओ बच बच के चलना हुजूर। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरे प्यार की सीमा,
प्यार है इतना ऊंचा जैसे राम रहीमा, जैसे राम रहीमा। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ के खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए। ओ बज बज के चलना हुजूर, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए। ओ बज बज के चलना हुजूर, तुझको पाकर स्वर्ग से सुंदर मंजिल मैंने पाली, तेरे प्यार में मर जाने की कसम है मैंने खाली, कसम है मैंने खाली। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ के खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए। बच बच के चलना हुजूर, बच बच के चलना हुजूर, बच बच के चलना हुजूर। दोस्तों, अगला नगमा हम सुनाने जा रहे हैं फ्रॉम द फिल्म जब प्यार किसी से होता है। रफ़ी साहब ने महबूबा की तारीफ में बहुत सारे गाने गाए हैं, ख़ास तौर पर जुल्फ़ों की तारीफ में बहुत सारे गाने गाए हैं। ये एक ऐसा गाना है जो तारीफ भी है और एक तरह का बहुत अलग सा इमोशन है। कहा जाता है कि जो जज्बात इंसान अपनी ज़ुबान से बयां नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे, वैसे इमोशंस को रफ़ी साहब ने अपने गानों से इस तरह व्यक्त किया है कि हम क्या कहें। अगला जो गाना है ऐसा ही एक रोमांटिक खूबसूरत गाना है। उस गाने से पहले कुछ इतना कहना चाहेंगे कि जुल्फों में उसकी बीती मेरी सुबह, जुल्फों में ही उसकी मेरी शाम थी। जुल्फों में उसकी मेरी बीती सुबह, जुल्फों में ही उसकी मेरी शाम थी। और क्या बताऊँ ज़िंदगी के बारे में, मेरी तो सारी उम्र उसी के नाम थी। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा नगमा हम आपकी नज़र कर रहे हैं। फिर से एक बार मैं बंकिम जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, और अगर ये गाने आपको पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसे लिखना मत भूलिए। थैंक यू। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। खफा हो बैठे, मैंने क्या जुल्म किया आप खफा हो बैठे। प्यार मांगा था खुदाई तो नहीं मांगी थी, मैं तो मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मेरा हक था तेरी आंखों की झलक थी मैं पर, मेरा हक था तेरी
आंखों की झलक दे, मैं पर चीज अपनी थे, पराए तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। अपने बीमार पे इतना भी सितम थी तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। वॉल्स, दोस्तों ये एक वेस्टर्न डांस फॉर्म भी है और वेस्टर्न फॉर्म ऑफ म्यूज़िक भी है। वॉल्स को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करने का जो श्रेय है वो शंकर जयकिशन जी को जाता है। इस पर्टिकुलर म्यूज़िक को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया और उस पर बहुत सारे खूबसूरत गाने बनाए, जिसमें से अगला नगमा हम आपके लिए सुनाने जा रहे हैं। विलन अजीत का हमने बहुत बार नाम सुना है और ज़्यादातर नेगेटिव रोल में हमने उन्हें देखा है, पर इस पर्टिकुलर फिल्म में प्रोटोगोनिस्ट के रूप में वो थे और उनके लिए रफ़ी साहब ने एक बेहतरीन नगमा गाया। इतना खूबसूरत, इतना दिलकश गाना और ऐसे सुर उन्होंने बिखेरे हैं कि आज भी उस गाने की गूंज हमारे दिल और दिमाग पर छाई हुई है। ये नगमा बस इतना कहता है, एक रात वो गया था जहाँ बात रोक के, एक रात वो गया था जहाँ बात रोक के, अब तक रुका हूँ वहीं मैं, वहीं रात रोक के। दोस्तों इंतज़ार के लम्हों में बहुत ही खूबसूरत प्यार का एहसास छुपा होता है और इसी इंतज़ार को बयां करते हुए इस गीत को बनाया गया। एक ड्यूएट गाना है। अनिल जी को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बंकिम जी का साथ दें फिल्म हलाकू का ये गाना सिर्फ आपके लिए। इंतजार में जाने को है बहार भी, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आ जाके इंतजार में जाने को है बहार भी, अरमान लिए बैठे हैं हम, सीने में तेरा ही गम, अरमान लिए बैठे हैं हम, सीने में तेरा ही गम, तेरे दिल से प्यार की वो तड़प किधर गई। आ जाके इंतजार में जाने को है बहार भी, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आ जाके इंतजार में जाने को है बहार भी।
के इंतजार में जाने को है बहार भी। के इंतजार में जाने को है बहार भी। बंकिम जी ने भारतवर्ष के सभी लेजेंडरी सिंगर्स के साथ, एक्टर्स के साथ काम किया है और बहुत सारे टूर्स भी किए हैं। भारत के डिफरेंट डिफरेंट शहरों में, गांव में जाकर उन्होंने परफॉर्म किया है। और बंकिम जी रफ़ी साहब जैसा अंदाज़ भी रखते थे। जैसे रफ़ी साहब लाइव स्टेज पर बहुत ही मस्ती किया करते थे, धमाल किया करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, वैसे ही बंकिम जी भी लाइव स्टेज पर जब भी आते हैं तो बहुत ही जिंदा दिल उनका अंदाज़ रहता है। बहुत ही एनर्जेटिक वो परफॉर्मेंस देते हैं और हंसी मजाक भी इतना करते हैं और लोगों का दिल वो हमेशा जीत लेते हैं। सही मायनों में रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ साथ उनके अंदाज को भी उन्होंने आत्मसात कर लिया हो, ऐसा हमें महसूस होता है। दोस्तों, अब मैं बंकिम जी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बहुत ही खूबसूरत गाना हमें सुनाएं फिल्म राजकुमार से। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। मेरी जान जा रही है,
वो देखो मुझसे रूठ कर गलियां में जा रही है। जाके रोक लो तुम मस्ती भरी घटाओ, अब जाके रोक लो तुम, तुमको मेरी कसम है समझा के रोक लो तुम। उसकी जुदाई दिल पर, उसकी जुदाई दिल पर नश्तर जला रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। मेरी जान जा रही है। दोस्तों, रफ़ी साहब ने भारतवर्ष की कई सारी भाषाओं में गाने गाए हैं और भारतवर्ष के अलावा स्पेनिश और इंग्लिश में भी उन्होंने गाने गाए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश में रफ़ी साहब को लोग मोहब्बत करते हैं। इंडिया के बाहर भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हिंदुस्तानी बसते हैं और वो लोग भी रफ़ी साहब के बड़े ही चाहने वाले हैं। बंकिम जी ने भी दुनिया के बहुत सारे देशों में जाकर उन सभी रफ़ी साहब के चाहने वालों तक उनकी आवाज़ को पहुंचाया है। यूके, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, न जाने सोमानिया, कितने सारे आइलैंड्स भी उसमें आ गए। इतने सारे लोगों को उन्होंने एंटरटेन किया है, रफ़ी साहब के नगमों को सुनाकर उन सबका दिल जीता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि रफ़ी साहब एक ऐसे इंसान थे जो किसी भी कलाकार में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। बंकिम जी का भी वही अंदाज़ हमेशा से रहा है। हर नए कलाकार को वो इतना दिल से वेलकम करते थे, कभी भी हमें ऐसा महसूस नहीं करवाते थे कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और नए कलाकारों को वो बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। मेरे करियर की शुरुआत भी बंकिम जी से हुई है और उन्होंने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया है। आनल जी भी उसी दौर का एक हिस्सा है और हमें वो बहुत ही मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, म्यूज़िक में करियर में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और कुछ ना कुछ नया हमेशा सिखाते भी हैं। तो आज फिर से एक बार मैं बंकिम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे करियर में भी उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। सो नाउ इट्स टाइम टू प्रेजेंट अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म आई मिलन की बेला। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूँ, मैं तुम्हें प्यार ना करूँ। कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूँ, मैं तुम्हें प्यार ना करूँ। मदहोश अदा ये अल्लड़पन, बचपन तो अभी रूठा ही नहीं। एहसास है क्या और क्या है तड़प, इस सोच में दिल डूबा ही नहीं। एहसास है क्या और क्या है तड़प,
इस सोच में दिल डूबा ही नहीं, तुम कम सीन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूँ, मैं तुम्हें प्यार ना करूँ। तुम आह भरो और शिकवे करो, ये बात हमें मंजूर नहीं। तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम कम सीन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूँ, मैं तुम्हें प्यार ना करूँ। कहते हैं कि रवि साहब कभी काले कपड़े नहीं पहनते थे, डार्क ब्लू शेड तक वो जाते थे पर ब्लैक नहीं पहनते थे। देव साहब की बात करें तो देव साहब को ब्लैक पहनना अलाउड नहीं था, क्योंकि जब भी वो काले कपड़े पहनकर रास्ते पर निकलते थे लड़कियां वायलेंट हो जाती थी और मुंबई की जो पुलिस है वो लड़कियों को संभाल नहीं पाती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने देव साहब से कहा था कि आप पब्लिक प्लेस पे काले कपड़े नहीं पहन सकते। और बंकिम जी भी देव साहब की तरह और रफ़ी साहब की तरह ड्रेस्ड अप होते हैं। जिस तरह से रफ़ी साहब और देव साहब का ज़िंदगी जीने का तरीका रहा है, बहुत ही खुश मिजाज रहा है। जब तक वो जिए संगीत के साथ, कला के साथ जुड़े रहे। वैसे भी संगीत के साथ बंकिम जी भी हमेशा जुड़े रहते हैं। 50 साल हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा वक्त हो चुका है बंकिम जी ने इस करियर को इतना सीरियसली लिया है और अपनी ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी संगीत को उन्हीं कलाकारों की तरह समर्पित कर दिया है। दोस्तों, अगला एक और बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाना हम आपको सुनाते हैं। इट्स अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ड्यूएट सॉन्ग। पहाड़ी राग पे आधारित ये गाना है, रवि साहब और लता जी का गाया हुआ। एंड द सॉन्ग इज आँखें उफ युम्मा।
के आंखें उफ़ियुम्मा के सूरत उफ़ियुम्मा प्यार क्यों न होगा ये अदा है उफ़ियुम्मा दोस्तों। पहले जब गाने बनते थे तो एक्टर्स भी म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, खुद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आके बैठते थे और पूरा प्रोसेस देखते थे कि किस तरह गाने को बनाया गया है और म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और सिंगर्स ने किस किस बातों का ख्याल रखा है, कौन से शब्द को बहुत अहमियत दी है, कैसे इमोशन को अहमियत दी है, और वो सब कुछ समझ कर वो उसी चीज़ को ऑन स्क्रीन एक्ट करते थे और कभी कभी खुद का भी सुझाव देते थे कि मुझे इस तरह की एक्टिंग करनी है या इस तरह से परफॉर्म करना है, तो म्यूज़िक डायरेक्टर भी उस तरह से गाने को मोल्ड करते थे और उसमें वेरिएशंस लाते थे। शम्मी कपूर साहब का अपने म्यूज़िक के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहता था, वो बहुत क्लियर रहते थे कि उन्हें ऑन स्क्रीन क्या करना है और उसी हिसाब से वो म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर्स को कहते थे कि आप इस तरह से गाना बनाइए, इस तरह से गाइए जिससे मैं इस तरह से परफॉर्म कर सकूँ या मुझे कूदना है या मुझे डांस करना है। ये तो हो गई बात कि आप कहते हैं और वो करते हैं, लेकिन शम्मी जी ने कई बार ऐसा कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर पहुँच नहीं पाते, लेकिन रफ़ी साहब का और उनका ट्यूनिंग ऐसा था कि अगर वो ना भी हो या ना भी इंस्ट्रक्ट करे फिर भी रफ़ी साहब इस तरह से गाना गाते थे कि शम्मी जी सोच भी नहीं पाते थे और वो ऐसा मानते थे कि मैं जैसा सोचता हूँ अगर मैं वैसा ना भी कहूँ रफ़ी साहब को फिर भी वो वैसा ही गा देते हैं और मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है परफॉर्म करना। वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर ही इतना कुछ परफॉर्म कर देते हैं कि मेरे लिए ऑन स्क्रीन करना बहुत आसान हो जाता है। एक और बहुत ही खूबसूरत गाना आपका इंतज़ार कर रहा है, ऑल टाइम फेवरेट क्लासिक सॉन्ग मिश्र किरवाणी राग पे आधारित। गाना कौन सा है वो मैं राज रखती हूँ, लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग। पूछो प्यार से देखो काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना, दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से देखो काम तो पूछो, दीवाने का
देखो, आप तो पूछो दोस्तों। शंकर जयकिशन वैसे तो दो नाम हैं, लेकिन एक सांस में लिए जाते हैं। वो दोनों जैसे आत्मा से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जब से जुड़े और जब तक रहे, तब तक उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया। जयकिशन जी इस जिंदगी के सफ़र में शंकर जी से पहले हार गए और उनसे पहले चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी जब भी शंकर जी ने कुछ भी संगीत बनाया तो भी क्रेडिट शंकर जयकिशन के नाम से ही जाता था। जिस्मानी रूप से भले ही वो दोनों अलग हुए हों, लेकिन वो नाम कभी जुदा नहीं हुए। वो हमेशा एक ही रहे, और जब तक भारतीय फिल्म संगीत रहेगा, ये नाम हमेशा ही जुड़ा हुआ ही रहेगा। दोस्तों, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म म्यूजिकल हिट एल्बम आरजू से एक बहुत ही खूबसूरत गाना हम आपके लिए खास तौर पर सुनाने जा रहे हैं। चल के तेरी आए, चल के तेरी आंखों से शराब और ज़्यादा, चल के तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा, चल के तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा, खिलते रहे होठों पे गुलाब और ज़्यादा, चल के तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के हैं दिले खराब और ज़्यादा, चल गए तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, अब रू की कटारी को दुआ और ज़्यादा, चल के तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा। तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले, तू इश्क के तूफान जकड़ ले,
शबाब आज याद आ चल के तेरी आँखों से शराब आज याद आ फिलते रहे हो तुमके गुलाब आज याद आ। प्लेबैक सिंगिंग में जितना ख्याल हमें फील का रखना पड़ता है उतना ही ख्याल प्रोनाउंसिएशन का भी रखना पड़ता है। कोई भी शब्द है उसका उच्चार परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज का शब्द बोलते हैं तो उसी तरह से प्रोनाउंस होना चाहिए जिस तरह से उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कहा जाता है। जिस ज़माने के गाने हम सुनते थे उस ज़माने में उर्दू शायर ज़्यादा थे, उर्दू लफ्ज़ भी बहुत इस्तेमाल होते थे गानों में, और रफ़ी साहब ने उन पर्टिकुलर शब्दों को इतनी खूबसूरती से प्रोनाउंस किया है, गाने में इस कदर ब्लेंड कर दिया है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता ही नहीं कि ये हिंदी शब्द नहीं है और उर्दू शब्द है। हिंदी गानों में, हिंदी कविताओं में वो शब्द इतने प्यार से घुले हुए सुनाई देते हैं, वो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि अलग भाषा का शब्द है। इतना खूबसूरत ब्लेंड के साथ रफ़ी साहब ने उन सभी शब्दों को निभाया भी है। दोस्तों, अगला जो गाना है लव इन टोक्यो का गाना है। इस फिल्म के बहुत सारे गाने सुपरहिट रहे जिसमें से ये भी एक नगमा है। थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर है इसका, थोड़ा सा सेमी क्लासिकल टच है जो इट्सेल्फ रफ़ी साहब का भी फोर्टे था। तो आइए राग भोपाली पे आधारित ये गाना इंजॉय करते हैं। ओ मेरी जान जनाना तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे चाहे खुबा ओ मेरी जान जनाना तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। हर कदम पर शमाती जलती है मेरा साया जल भी जाता है तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे चाहे खुबा ओ मेरी जान जनाना तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। इल्तिजा तुम हो आरज़ू तुम हो मैं किसी और को तो क्या जानूं, मेरी उल्फत की आबरू तुम हो। ओ मेरे शाहे खुबा ओ मेरी जान धनाना तुम मेरे पास
होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। अब जो नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उस फिल्म का नाम है एक दिल सौ अफसाने। राज कपूर साहब के लिए मुकेश जी ही ऑलमोस्ट सारे गाने गाते थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि इस फिल्म के ऑलमोस्ट सभी गाने रिकॉर्ड हो चुके थे और एक ड्यूएट सॉन्ग बाकी था और मुकेश जी आउट ऑफ टाउन थे और ये गाना किसी भी तरह कंप्लीट करना था। तो शंकर जयकिशन जी ने रफ़ी साहब को डबिंग वर्जन बनाने के लिए बुला लिया कि एटलीस्ट एक वर्जन टेम्पररी उनके पास हो जिसके ऊपर वो लोग शूटिंग स्टार्ट कर सके और फिर बाद में वो लोग आवाज़ को रिप्लेस कर सकते हैं या री रिकॉर्ड करेंगे गाने को, जिससे शूटिंग ना रुके। लेकिन राज कपूर साहब ने जब रफ़ी साहब के गाए हुए इस डबिंग वर्जन को सुना, उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि भले ही सारे गाने मुकेश जी ने गाए हो, पर ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में जो रिकॉर्ड हुआ है, भले ही ये डबिंग वर्जन है, आप इसी वर्जन को फिल्म में ले लीजिए, मुझे इसे रिकॉर्ड भी नहीं करवाना है, ये इतना खूबसूरत बनाया है। रफ़ी साहब और लता जी ने इतनी छोटी छोटी बारीक हरकतें जो गाई हैं इस गाने में, वो सही मायनों में इस गाने की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। जब मुकेश जी वापस आए और उन्होंने रफ़ी साहब के इस गाने को सुना, तो उन्होंने भी एडमिट किया कि जिस कदर रफ़ी साहब ने इस गीत को न्याय दिया है, शायद वो खुद भी इतना खूबसूरत तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही यादगार नगमा है, बहुत ही खूबसूरत ड्यूएट गीत। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन बंकिम पाठक एंड आनल वसावड़ा ठक्कर टू सिंग दिस सॉन्ग। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। एक हो मेरी तुम इस जहां में, एक है चन्ना जैसे गगन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चन्ना जैसे गगन में। तुम ही तुम हो
म्यूजिक डायरेक्टर का अपना वे ऑफ मेकिंग होता है, म्यूजिक बनाने का तरीका होता है। शंकर जयकिशन जी का एक बहुत ही अलग स्टाइल था और फ्यूजन म्यूजिक वो बहुत बनाते थे। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को ब्लेंड करके एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूजन प्रेजेंट करना वो उनकी खासियत थी और उनके गानों में अक्सर इस तरह के ब्लेंड्स हमें सुनाई देते थे, हम महसूस करते थे। बहुत सारे स्विचेस आते थे कि कुछ पार्ट में तबला बज रहा है, कुछ पार्ट में गिटार बज रहा है और फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोस्तों, देव साहब की बात करें तो प्यार की परिभाषा देव साहब ने हमें सिखाई। प्यार क्या है वो सही मायनों में देव साहब ने हमें सिखाया है और प्यार का फलसफा कैसा होता है वो भी देव साहब ने ही हमें सिखाया है। दोस्तों, अगला नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो लाइव स्टेज पर अगेन बहुत ही रेयर प्रेजेंट होता है। शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन अहमदाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह के गाने प्रेजेंट करने का मौका मिलता है और आज बंकिम जी जैसे आर्टिस्ट हैं इसलिए ये मुमकिन हो पाया है कि ये गाना हम आप तक पहुंचा सके। फिल्म दुनिया से हमने ये गाना चुना है, शुद्ध कल्याण राग पे आधारित। आइए सुनते हैं। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार खूबसूरत हो मधर प्यार के अंदाज नहीं, ये कमी है कि तुम्हारा कोई हमराज नहीं। दिल में जब दर्द नहीं बात बनेगी कैसे, याद तेरा भी मगर प्यार की आवाज नहीं। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। प्यार शीरी ने किया, प्यार ही लैला ने किया, प्यार मेरा ने किया, प्यार ही राधा ने किया। प्यार हर रंग में लोगों को सता देता है, प्यार के पर्दे में हम सब खुदा रहता है। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। दोस्तों, ज़्यादातर ऐसा होता है कि दर्द भरे जो नगमे होते हैं वो स्लो होते हैं, उसका स्पीड कम होता है,
बहुत ही सॉफ्ट मेलोडी रहती है। लेकिन शंकर जयकिशन जी ने सोचा कि दर्द भरे गाने फास्ट क्यों नहीं हो सकते, रिदमेटिक क्यों नहीं हो सकते। दर्द सॉफ्ट नहीं होता, कभी कभी दर्द बहुत ही लाउड होता है, पैशनेट होता है। दर्द में हम ऐसा नहीं है कि चुप हो जाते हैं, दर्द में हम चिल्लाते भी हैं। तो दर्द का ये जो अलग पैरामीटर है उसे प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल गाना बनाया था, और वो गाना था दिल के झरोके में। गाना सैड था लेकिन उसका जो म्यूज़िक था वो बहुत ही हैवी था, बहुत ही पैशनेट था, और वो एक्सपेरिमेंट इतना हिट रहा कि आज भी उस गाने को लोग भुला नहीं पाए हैं। तो अब उस आइकॉनिक गाने को हम यहाँ से आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम की मंजिल पर हम आ चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम का आखिरी गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं खास तौर पर शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन अहमदाबाद की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सारे कमेटी मेंबर्स और बैक ऑफिस का जितना भी स्टाफ है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मिस्टर विश्व शाह, उनकी वीडियोग्राफी की टीम, और हमारे वीडियोग्राफर मिस्टर बाबा, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ख़ास तौर पर बंकिम जी के साथ आज के दिन इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म पर हमें स्टेज शेयर करने का मौका मिला। हम फिर से एक बार बंकिम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन अहमदाबाद की ओर से। आशा करते हैं कि उनके साथ ऐसी कई और सुरमई शाम सजाने का हमें फिर से मौका मिलेगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा कहेंगे, और आइए सुनते हैं आज की शाम का सबसे यादगार नगमा। रोके मैं तुझको बिठा कर यादों को तेरे